सिंह सर। सो राजवंत सर को शायद आपने पहले कहीं देखा हो, याद करो याद करो, ये चेहरा कहीं देखा था रोहित सर के साथ, शायद कहीं देखा था जब बच्चे बोल रहे थे कि सर तो मतलब बॉडीगार्ड लेके आ गए, शायद किसी ने ऐसा बोला था। सो दैट्स राजवंत सर। जोक्स असाइड बच्चों, सो राजवंत सर की प्रोफाइल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो स्टडीड फ्रॉम IIT ISM धनबाद से है सर। सो सर इज एन IITian, 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, एक्स मेट्रोलॉजिस्ट IMD, अच्छा फिर मेट्रोलॉजी में चले गए, क्लियर UGC नेट 162 रैंक, फिर नेट क्वालिफाई किया मतलब रिसर्च करेंगे, क्लियर गेट 2017 विद 42 रैंक, ओके तो ये गेट टॉपर है, PSU में जॉब करेंगे, क्लियर TIFR विद 7 रैंक, तो रिसर्च करेंगे, मतलब करेंगे क्या सर, सर तो मतलब सर पढ़ा रहे हैं तो सर को जरा बुला ही लेते हैं कि सर ने इतना फोड़ने के बाद सर टीचिंग में क्यों आ रहे हैं। सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीचर्स, ये सच है, ये सच है, ईदर यू बिकम अ टीचर बिकॉज यू हैव नो चॉइस और यू बिकम अ टीचर बिकॉज दैट इज योर चॉइस। आई थिंक राजवंत सर फॉल्स इनटू द सेकंड कैटेगरी, लेट्स वेलकम राजवंत सर हियर। हेलो सर। अरे सर थोड़ा सा हाथ बात सर थोड़ा आराम से मिलाओ आप। क्लास फोटो फोटो ऐसे बहुत अच्छी वाली लगा दी थी, अब बच्चे कहेंगे यार ये क्या हो गया। कोई नहीं प्रमोशन है। तो सर आप फिजिक्स पढ़ाते हैं कि बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग का कोर्स कराएंगे, साइड बाय साइड वो भी कराएंगे, जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ाएंगे तो हम उसमें कुछ कुछ टिप्स दे देंगे बच्चों को जो वीक हो रहे हैं, लेकिन हमारा मेरा मेन है कि अपन को फिजिक्स ही पढ़ाना है, सबसे लॉजिकल लगता है मेरे को। सर आप फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हो, मतलब ये तो कुछ ये एक इंसान की है कि कई इंसान का मिलाया गया है। हाँ ये थोड़ा रंग बिरंगा सा हो गया, आज देखने के बाद पलट के मैं जब देखता था मेरे को लगता है कुछ ज्यादा ही रंग बिरंगा हो गया, लेकिन सर इसके पीछे एक स्टोरी है, बहुत सिंपल थी। बिल्कुल सर। जब अपन 11 12th में थे तो मैं बैक बेंचर था, लेकिन मैं पढ़ने में अच्छा था, तो मैं सबको तंग करता रहता था जिससे दूसरों की रैंक खराब होती रहे। अच्छा मैं ऐसा था, ठीक है। तो मेरा 10th और 12th मेरा बहुत अच्छे मार्क्स से गया, IIT में सिलेक्शन हो गया, विदाउट एनी कोचिंग जस्ट डायरेक्टली सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने कहा नहीं रैंक इंप्रूव, मतलब रैंक आ गया था IIT में, लेकिन मैंने कहा रैंक इंप्रूव करी जाए। अच्छा फिर मैंने ड्रॉप लिया एक साल। ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में चलता हूँ कि हाँ करना है एक्सपेरिमेंट, तो दिख रहा है। फिर मैंने कहा कि नहीं कोटा चलते हैं, वहां पे पढ़ेंगे। तो वहां पे पढ़ना स्टार्ट किया, सही में अच्छा लगने लगा यार, थोड़ा सा टीचिंग साइड इंक्लिनेशन आने लग गया यार, क्या मतलब क्या पढ़ाया जा रहा है, स्टार्स होते हैं क्या पढ़ाया जा रहा है यार, 300 बच्चों के बीच में बिल्कुल मस्त नचा दिया बच्चों को। तो मैंने कहा नहीं यार टीचर बन सकते, अच्छा प्रोफेशन है, पैसा है, इंजॉयमेंट है, बच्चों के साथ कनेक्टिविटी है और आप कुछ सिखा सकते हो। मैंने कहा ठीक है। फिर जब IIT में गए तो वहां पे सबसे पहले मैंने एक NGO ज्वाइन करा, कर्तव्य नाम का, जहाँ पे हम लोग रिक्शा पुलर्स और ये जितने भी उनके बच्चे होते फ्री पढ़ाते थे, अपना भी टाइम पास हो रहा है, कुछ सीख भी रहे हैं, स्किल सेट भी बढ़ रहा है, CV में भी लिख लेंगे, जॉब भी लग जाएगी। तो उस टाइम तो यही होता है। तो हमारा ये था। फिर मैंने टीचिंग में आना स्टार्ट किया, मतलब मैं जब कॉलेज से बाहर निकला तो फिर मैंने सबसे पहले टीचिंग करा। मैंने कहा सबसे पहले पाप धोए जाए, जिनका सिलेक्शन रोका है मैंने IIT में, पहले पाप धो लिया जाए, ठीक है, कुछ बच्चों को IIT में पहुंचाया जाए, कुछ बच्चों को नीट क्लियर कराया जाए। तो मेरा फर्स्ट इम्पैक्ट ये था कि नहीं यार कुछ बच्चों को करा के देखा जाए कि होता है या नहीं होता। फिर मुझे लगा ना कि यार थोड़ा सा अभी ना अपने पे और वर्क करना चाहिए, तो मैंने फिर कुछ एग्जाम दिए जिससे मैं अपने आप को टेस्ट कर पाऊँ यार कि मेरी नॉलेज सही में बच्चे के लिए काम की है या नहीं, राइट मतलब मैं अपने पीक पे रहूँ जिसमें अगर कोई बच्चा में से कुछ पूछे तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाऊँ हाँ बेटा ये है, राइट nice. तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करने का सोचा कि नहीं यार कि बच्चा को आजकल के बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि सर ये क्वेश्चन हो पाएगा सर से या नहीं हो पाएगा, वो चेक भी करते हैं। तो मेरे को था कि नहीं कोई भी बच्चा कहीं से भी चेक करे मैं हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ पेपर दिए और तुम बिलीव नहीं करोगे मैंने सर अपनी जॉब अब छोड़ के, मैंने कहा नहीं पेपर देंगे, और ये इतनी इनसिक्योरिटी वाली होती है बात, मेरे घर पे चीज़ें थी लेकिन मेरे को करनी, मैंने जॉब छोड़ी मैंने पढ़ाई करी, फिर मैंने क्लियर करा, फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया IIMD का, तो वो क्लियर हुआ, तो एज अ मेट्रोलॉजिस्ट मैं एविएशन सेक्टर IGI एयरपोर्ट पर काम करता था। फिर मैंने वो छोड़ा, मैंने कहा नहीं अब थोड़ा सा ना स्टैग्नेंट टाइप हो रहा है, कुछ नया करा जाए, ठीक है। और ऐसा नहीं है सर, आपको कितने साल हो गए टीचिंग में? मेरा 7th ईयर है। 7th ईयर तो अराउंड 2015-14 से स्टार्ट किया आपने? हाँ। मैंने भी 2015 से ही स्टार्ट किया। अब हुआ क्या ना 2016-17 में आपका नाम क्लास में बच्चे मेरे सामने लेने लग गए। इधर नहीं, इट मस्ट बी अबाउट 2017 राइट। हाँ तो मैंने फर्स्ट टाइम आपका नाम वहां से सुना, फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है हम भी देखेंगे कभी वीडियो क्या कुछ सीखने को, मैं सीखने के लिए कभी मना नहीं किया, मैंने कहा सीखते हैं, कुछ सीखने के लिए आपसे भी बहुत सारी चीजें मिली मेरे को, कुछ चीजें मैं उस समय गलत पढ़ा रहा था फर्स्ट में, ठीक है। फिर मेरे को जब लगाने कि यार नहीं
अब थोड़ा सा ना अपना भी इनपुट दिया जाए। सही बात है। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं भी कुछ अपना दे सकता हूँ। सर आप बहुत कुछ दे सकते हो। फिर मैंने सेकंड पता क्यों करा, जब हम साइंटिस्ट और उनके बीच में बैठते थे ना तो बहुत सोफिस्टिकेशन हो गया। मैंने कहा यार ये अपने बच्चे कितनी नौटंकी करते थे, कितना कमेंट मारते थे। मैंने कहा यार अब ना चाहिए वो, वही चाहिए, वही चाहिए यार, सोफिस्टिकेशन से नहीं जी सकते हम। किक तो मिलती है नहीं से, राइट, तो मारते मारते कभी कभी। तो मैंने कहा नहीं यार, फिर ये डिसाइड हुआ कि सर कि नया फिजिक्स वाला में अपना 100% देंगे, और जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगा खुद भी सीखेंगे सिखाते भी चलेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही। पढ़ाने नहीं आया है, सिखाने आया है। क्या बात है, क्या बात है सर, कब लिखा था ये? छापा है। इंजीनियर कॉपी पेस्ट तो करते ही है। एलन मस्क क्यों बोलते हैं? अरे यार पता नहीं कोई रफ्तार कहता है प्रोफाइल से। नहीं नहीं कोई कहता, मतलब कमेंट में लिखा था रफ्तार। अच्छा, वो तो एलन मस्क बन भी रहा है। ओह माय गॉड, सर एलन मस्क इतना गरीब नहीं है। ठीक है, सस्ता एलन मस्क। और कोई कह रहा रफ्तार है, कोई कहता है रफ्तार टाइप। मैंने कहा रफ्तार इतना कूल नहीं है हमारे जैसा। एक रैप कर दो आप ना अभी, मतलब ठीक है, ऑफ कोर्स हां, एक रैप किया जाएगा साथ में। गाना गाते हैं, गाना गाते हैं किसी दिन सर, स्टूडेंट्स डे पे करें, टिकटॉक बनाते हैं सर। अरे लेवल नहीं नहीं, आपको खुश हूं ना कि यार ऐसी बातें निकल जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी खुश हो ले।